किसी गैर की ट्रेन नहीं है, ये सुन्नी रेल है। छुक 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 रेल चली है उम्मत की, अहले सुन्नत की। मालिक सबको बला करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सैयद नौशाद आपका भाई फिर एक बार एक वीडियो के साथ में हूँ। खबर पुजारियों ने बिदअतियों ने हर हद को पार कर दी है, हर हद को। कब्रिस्तान में कव्वाली हो रही है, धूम धड़क का हो रहा है, नाइट पार्टी हो रही है और पकवान हो रहे हैं, देगचे पक रहे हैं, बड़े बड़े देग लगे हुए हैं, बिरयानी खिचड़ा वगैरह बन रहा है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। वो दिन दूर नहीं है कि कब्रिस्तान के अंदर ये अपने मुर्दों को इंटरटेनमेंट करने के लिए, अपने नाना दादा अम्मा बाबा का इंटरटेन करने के लिए, क्योंकि कब्रिस्तान में टीवी नहीं होती, तो ये लोग सन्नी मुन्नी को लेके जाएंगे, मुजरा कराएंगे। वो दिन दूर नहीं है, बहुत करीब है वो दिन। नक्शबंदी जैसे लोग जब तक मार्केटिंग करेंगे, लाशों की ब्रोकरी करेंगे, फारूक खान दिल्ली जैसे लोग, कोकब नूरानी जैसे शैतान लोग, जब तक ये कहते रहेंगे कि खबर में बाबा जिंदा है, तो बाबा जिंदा है तो बाबा को इंटरटेनमेंट के लिए सन्नी मुन्नी का भी नाच होना ज़रूरी है। वो बेचारे अकेले हैं, और वो बेचारे ऐसे अकेले हैं कि उनकी बीवी अलग खबर में है, वो अलग खबर में है। बाबा जिंदा है, हकीकी दुनिया भी जिंदगी की तरह। जब दुनिया में जिंदा थे, मरने से पहले, कफन पहनने से पहले, तो बीवी बच्चे भी थे, शब्बाशी भी करते थे वो, लेकिन मरने के बाद तन्हा अकेले खबर में जिंदा है बाबा जी। ये खबर पर लोगों ने इतना आवाम को गुमराह किया है कि कब्रिस्तानों में दावतें चल रही है, पकवान चल रहे हैं, लाइटिंग लगाई जा रही है, धूम धड़क का हो रहा है। आगे जाके सन्नी मुन्नी के मुजरे भी होंगे, जिना के अड्डे बन जाएंगे कब्रिस्तान इनके। क्यों नहीं बनेंगे, बराबर बनेंगे, बल्कि इनके जो मज़ारात हैं वो तो बन चुके हैं। आप देख सकते हैं कई मज़ार पर लूट मार, चोरी डकैती और औरतों की इज्जत लूटी जाती है। आप देख सकते हैं कई मज़ारात पर औरतों की इज्जत मुजावे लूट लेते हैं, माल दौलत इज्जत के लुटेरे हैं लोग। इनसे अपने माल दौलत इज्जत की हिफाजत करो, ईमान की हिफाजत करो। अस्सलाम वालेकुम। तेरी निगाह से चलता है काम या ख्वाजा, मेरे ख्वाजा मुझको नवाज दो, मेरी लाज रख लो या गौस, मैं मुरीद हूँ तुम्हारा। गौश पाक तेरे हाथ में हाथ मैंने दिया है, तेरे हाथ है लाज या गौस। लोगों एक मिसाल बयान की जाती है, उसे गौर से सुनो कि जिन लोगों को तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो एक मक्खी भी नहीं बना सकते, अगरचे उसके लिए सब इकट्ठे हो जाएं, और अगर मक्खी उनसे कोई चीज छीन ले जाए तो उसे उससे छुड़ा नहीं सकते। तालिब और मतलूब यानी आबिद और माबूद दोनों गए गुजरे हैं। इन लोगों ने अल्लाह की कदर जैसी करनी चाहिए थी नहीं की। अदावत मुझे से क्यों इतनी, मैं तो कुरान का दाई हूँ, रसूलुल्लाह का वारिस, सहाबा का सिपाही हूँ, मुझे है कुफर से नफरत, मैं तो हक का फिदाई हूँ, जमाने के हर एक जालिम, हर जाबिर से लड़ता हूँ।